Good morning, student. Now today we are discussing about what is democracy, why democracy, first chapter of civics, class 9. When we start democracy, at first we recall some previous knowledge about democracy. You know that democracy is a form of government where rulers are elected by the people. Democracy is the form of government. Form of government in which rulers are elected by the people. ये डिफिनेशन पहले से भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हियर इज डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीडिंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एट फर्स्ट मोनार्की गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय नॉट सेलेक्टेड बाय द पीपुल बट दे बिकम द रूलर बिकॉज दे बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली. फॉर एग्जाम्पल लुइस फोर्टींथ ऑफ फ्रांस क्वीन विक्टोरिया किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया. लुइस फोर्टींथ फ्रांस में, क्वीन विक्टोरिया नेपाल के राजा और सऊदी अरेबिया के सलमान बिन. ये सब उदाहरण है मोनार्की गवर्नमेंट के. इनको जनता ने पसंद नहीं किया, बल्कि ये राजा इसलिए हुए या वहां पे राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो वहां के राजा बने हुए हैं. दूसरा फॉर्म आता है, वो आता है डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि ओनली वन पर्सन और फ्यू ग्रुप पजेज ऑल द पावर विदाउट इंटाइटल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मतलब यहां पे क्या हुआ, ज्यादा जो सारा पावर है वो किसी एक आदमी के हाथ में या कुछ ग्रुप जो कोई एक खास ग्रुप है उसके हाथ में रहता है. जैसे एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं एडॉल्फ हिटलर और किम जोंग उन ये नॉर्थ कोरिया के हो गए और एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के. ये जो उदाहरण है ये आपका तानाशाही गवर्नमेंट का हो गया, डिक्टेटरशिप का. इसके बाद तीसरा आता है मिलिट्री रूलर्स या मिलिट्री डिक्टेटरशिप. यहाँ क्या होता है कि जो मिलिट्री के जो प्रमुख शासक होते हैं, सेना का जो शासक होते हैं प्रमुख, वो ही देश को चलाते हैं. इसमें ऐसा माना जाता है कि जो मिलिट्री होते हैं वो सभ्य और अनुशासन को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जनता का योगदान बहुत कम होता है और जो शासक होते हैं सेना के वही शासन करते हैं. उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट था परवेज मुशर्रफ जी का, और इंडोनेशिया इराक ईरान बर्मा जो कि अभी म्यांमार कहा जाता है. तो यहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसका है, मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का उदाहरण है. अब
इसके बाद एक हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद आता है ओलिगार्की या ओलिगार्की गवर्नमेंट। हम यहां पे लिखेंगे ओलिगार्की ओलिगार्की गवर्नमेंट। ओलिगार्की गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल पावर्स इनोमरस पावर्स आर इन फ्यू पर्सन और ए ग्रुप ऑफ द सेम फैमिली और सेम फैमिली और विद द सेम सोसाइटी, यू कैन से ऑल्सो सेम सोसाइटी। मतलब बोला है ओलिगार्की गवर्नमेंट में क्या होगा, जो कुछ ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप जो हुआ, डोमिनेंट क्लास जो हुआ, उसके कुछ लोगों के हाथ में शासन रहेगा। और समटाइम्स आप ये भी देखेंगे कि वो किसको कंट्रोल कैसे करते हैं सत्ता को, तो वो अपने ही जेनरेशन के या अपने ही क्लास के दूसरे लोगों तक ये पावर को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये कौन सा होता है, किस आधार पे होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं, तो जैसा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश होगा ये ग्रुप में, तो उसमें हम आप कह सकते हैं रॉयलिटी, रॉयलिटी, एजुकेशन, एजुकेशन, वेल्थ, वेल्थ और मिलिट्री, मिलिट्री, इन सबों के बीच में जो है वो ग्रुप जो है इस ये प्रभावी होते हैं और इनके आधार पे वो शासन करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा फॉर्मर में, तो आप कह सकते हैं सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जो बाद में कई टुकड़ों में बढ़ गया, कई भागों में बढ़ गया, और अभी के समय में कहां ओलिगार्की गवर्नमेंट है, तो चाइना, चाइना, नॉर्थ कोरिया, कोरिया और वेनेजुएला, ये इन सब जगहों पे आप देखिएगा कि ओलिगार्की गवर्नमेंट अभी भी है। अब क्या करेंगे कि यहां पे हम बताते हैं आपको कि मोनार्ची गवर्नमेंट हुआ, डिक्टेटरशिप हुआ, मिलिट्री रूल हुआ और फिर ओलिगार्की गवर्नमेंट हुआ, ये सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यहां जब इसका तुलना हम डेमोक्रेसी से करेंगे, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि जो भी रूलर्स हैं उसका चुनाव कौन करते हैं, तो पीपुल करते हैं। और इन सब फॉर्म में आप देखिएगा तो पीपुल का कोई बड़ा योगदान नहीं है शासक को चुनने में। अब एक डाटा लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ जुलाई 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, या 13 अमेरिकन कॉलोनी इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने डेमोक्रेसी को चुना, या फिर वहां से चलता रहे, या फिर आज से 100 साल पहले आप चलिए, मतलब अभी 2020 है तो 100 साल पहले यानी 1920, इस बीच में अगर आप देखिएगा तो देखिए कि कितने देश जो है वो इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, तो निश्चित रूप से जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, वो डेमोक्रेसी का आएगा। इसके आधार पे अब क्या कहा जाता है कि अभी के समय में डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, दुनिया में डेमोक्रेसी इज द मोस्ट, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रिविलेंट इज मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दुनिया में आप देखिएगा तो अभी के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कौन सा है, डेमोक्रेसी का है।
और अभी ये दुनिया में और भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं भी मैंने आपको डाटा बताया, उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं आप साउथ अफ्रीका में या फिर नेपाल में, यहां भी अभी हाल के वर्षों में वहां पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी का चयन किया गया। इसके बाद क्या आता है कि अब डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी आया कहां से है। डेमोक्रेसी अपने आप में एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिस जो वर्ड है डेमोक्रेटिका, डेमोक्रेसिया इसका ग्रीक मतलब होता है डेमोस मतलब होता है पीपुल, और क्रेसिया इसका मतलब होता है रूल, मतलब क्या हुआ पीपुल का रूल, या रूल जो होना है वो किसके द्वारा से होना है, पीपुल के द्वारा होना है, पीपुल के द्वारा होना है। तो ये रूल ऑफ पीपुल, इसको क्या बोलेंगे, रूल ऑफ पीपुल डेमोक्रेसी को अभी के समय में। अब आज के समय में इसका एक और बात आता है कि इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, समकालीन दुनिया में सभी गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहते हैं या डेमोक्रेटिक शासन कहलाना चाहते हैं, इवन इफ दे फॉलो और नोट, ये वो उस बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कहलाना चाहते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि पीपुल रूल है ये नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, अगर आप डेफिनेशन देखिएगा डेमोक्रेसी का तो वो बोलता है कि कुछ बेसिक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाने के लिए। अब यहां पे इसके बाद जो आपका आता है तो वो बुक में आप देख सकते हैं, तो ये बोलता है कि इतना सब चीज जानने के बाद, डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानने के बाद, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन जानने के बाद, एक यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है, आप उसमें 5 दिया हुआ है, आप हम पहला का चर्चा करते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू हिज ओन ऑपरेशन, इस बात को क्या करते हैं लिखते हैं, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन एवरी मैन द राइट टू बी हिज वन ऑपरेशन। यहाँ पे 5 लाइन ऐसा दिया हुआ है, जैसा कि आप अब्राहम लिंकन के बारे में देखे, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो इसी तरह का यहाँ पे 5 स्लोगन दिया हुआ है, कोट्स दिया हुआ है, आपको बताना कि कौन से राइटर ने इनको लिखा है या किसने लिखा है, इससे आपको क्या होगा कि डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है उसको और भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगा। ये लाइन लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट, डेमोक्रेसी जो है वो प्रत्येक आदमी को ये अधिकार देता है कि टू बी हिज वन ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन दमन करना, अपना जो दमन है वो खुद लोग करते, मतलब चुन करके गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो ये लाइन किसका लिखा हुआ है, तो ये लाइन लिखा हुआ है जेम्स रसल RUSSELL रसल लॉयल LOWELL। ये लाइन लिखा हुआ है जेम्स रसल लॉयल का, ये क्या है, तो ये अमेरिका के रोमांटिक पोएट क्रिटिक, माने सरकार का आलोचना करने वाले क्रिटिक एंड एडिटर, और ये एडिटर ये अमेरिका के। तो ये क्या बताते हैं, इन्होंने ये डिफिनीशन दिया, इनका एक बुक भी आया था जो लिखा हुआ था दी पोएट पोएट्री ऑफ जेम्स रसल लॉयल, ये 1838 में पब्लिश हुआ, और इन्होंने क्या बताया कि ये डिफिनीशन उन्होंने दिया। इसके बाद और 4 डिफिनीशन हैं, यहाँ पे कोट्स हैं, वो आपको खुद पता करना है कि ये किसका लिखा हुआ है, कब दिया इन्होंने, और इससे
हमें डेमोक्रेसी को और भी वाइडर रूप में इसका डिफिनीशन को समझने में मदद मिलेगा। अब यहां ये डिफिनीशन रूलर्स गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। अब यहां देखिए, ये मैंने बता दिया डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा आता है रूलर्स। अब रूलर्स कौन होगा? क्या प्रत्येक आदमी जो है वो डेमोक्रेसी में रूलर हो सकता है? एक आम आदमी जो है रूलर्स बन सकता है? उसके बाद है इलेक्टेड या इलेक्शन। इलेक्शन का हमारा जो प्रक्रिया है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो उन सब बातों का चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसको और भी अच्छे से, मतलब दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो भी हम लोग बनाएंगे, तो वो क्या बोल रहा है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये रूलर्स, इलेक्शन, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।